परमदाता सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज जी द्वारा बनाए गए संसार का शाश्वत सत्य, शाश्वत नियम, जन्म और मृत्यु का वह शाश्वत सत्य है, वह शाश्वत नियम है जो परमपिता परमात्मा मोक्षदाता भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने सृष्टि की आदिकाल से ही बनाया है। जिस प्राणी ने संसार में जन्म लिया, जो भी संसार में है, चाहे वह राजा है, रणिक है, विक्रमादित्य के घर पर जीकर आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि वहां पर सभी खुशी को पक्षी अपने बुरे स्वभाव को त्याग कर अनंत और प्रेम से विचरण कर रहे थे। उसी प्रकार काल श्रेय श्रेय आदि को निर्दयता से प्रतिदिन काटता रहता है, जैसे कि रानी श्रेष्ठ देवी थी। परमपिता परमात्मा ने उनको जितने शास्त्रों की बुद्धि प्रदान की थी, उन्होंने संसार के अंदर उतना ही संसार में जीवन व्यतीत किया। पर अपने संसार के अपना को पूर्ण करते हुए मोक्षदाता भगवान वाल्मीकि महाराज के लिए वाहन चलना चला जाता है। जननी और जन्मभूमि सबसे भी बढ़कर है। हमें जन्म देने वाली माँ और वह जन्मभूमि जिस साथ हमने जन्म लिया वह सबसे भी बढ़कर है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोचो मंदा आती है जिन जने राजा के जितने बड़े बड़े राजा महाराजों को जन्म किया, उसको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का जो अवसर है पता नहीं करना कहना चाहिए। उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। तो संसार के अंदर जिसने माँ पिता की सेवा की है, तो उसका जीवन है सब होंगे। और हम सभी लोग दिवंगत आत्मा रानी वैष्णो देवी जी के आपको चाहिए कुछ आत्मा नमस्कार है। काम से सबसे पहला जय वाल्मीकि श्रद्धांजलि समारोह के परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में बैठी सात संगत जी विरांगी सुरक्षित देखो जी जिड़े कि वीर संजीव एकलव्य जी ने माता जी परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों के सब राजे ने बहुत महत्वपूर्ण दिन था। जो घर का जीत राजा है दार्शनिकता कहना कि शायद रब किसी ने नहीं देखा पर रब वर्गा हर एक ने देखा। मां एक परमात्मा का प्रतिनिधि है। परमात्मा परमा के लिए इस शोक सभा च उपस्थित मातृशक्ति अज असी सारे
बहुत ही दुख की घड़ी च साढ़े परम पूज्य माता जी जो कि सभी संसार यात्रा पूरी करते हुए सानू सारे नू सभी विशोड़ा दे गए ने उन्हां दी अंतम अरदास दे विच इकट्ठे होए। मैं तो पहला भी दस्या ब्रह्म गया जी तो सामने बैठे बहुत ही सत्कार सारे यादव का प्रेमियों सब सारे जयवा अज आप माता सुरेशा देवी जी पर्दा के फुल भेटने वास्ते सारे पहुंचे हैं और मैं समझना मैं कि मां तो बड़ा है जग दे कौन कोई आदमी नहीं पता तो आप आदमी की महाराज के चरण बैठे बहुत ही सत्कार दरभंगे जी अज की पर उस शब्द नाते हैं बड़े अदब से सत्कार और मन सुकून मिलता है ਛੱਡ ਗਏ ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ਰਮ ਧੁਨਾ ਸਾਹਿਬ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਗੱਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਮੁਰਗੀਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ हम सभी भक्ता परमात्मा के कर्म में दर्शन हुए परिवार के पुजने माता जी दूसरी जी की मेरी जगने लिखी कई प्रकार के रिश्ते नाते संसार उन सबको होकर के परमात्मा वाला प्रसाद जिसे भी रिश्तेदार परिवार सत्य है गण वाले लोग लागा संस्थावान ने सिखा दी तो बैठे उनकी मंचे है जी प्रार्थना जगत आत्म आत्म शांति को हम सभी करेंगे तो करते सभी धन करेंगे सभी लोग साफ साफ पीछे पीछे बोलेंगे हे विश्वेश्वर आप वर्ण और विशिष्ट हो अर्थात नेक व खास हो हमें भी ऐसे ही बनाए हे परम शिष्ट अपने भगवान से तो स्वीकार करो परमान जय राम की। परमपिता परमात्मा ने जितनी स्वास्थ्यों की पूंजी
जिस किसी जीव को भी प्रदान की है उतने सांस पूर्ण करने के पश्चात वह जीवात्मा परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाती है। परमपिता परमात्मा के बनाए गए किसी जन्म और मृत्यु के शास्त्र सत्य के आगे शास्त्र नियम के आगे नतमस्तक होते हुए परिवार के पूजनीय परिवार के प्रिय जिनकी श्रेष्ठ देवी जी जो कि किसी की जीवन संगिनी थी किसी की माता किसी की नानी किसी की दादी किसी की बहन किसी की बेटी आदि अनेकों प्रकार के संसार के रिश्ते नातों को तोड़ करके परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य की पूंजी को पूर्ण करते हुए अपनी संसार की यात्रा को पूर्ण करते हुए उस मोक्षदाता भगवान वाल्मीकि महाराज जी के पावन चरणों में जा रहा है। घर दुख असहनीय दुख समस्त परिवार को रिश्तेदारों को प्राप्त हुआ। आज हम सभी लोग समस्त परिवार सदस्य रिश्तेदार नगर निवासी हम सभी परमपिता परमात्मा के चरणों में उपस्थित हैं इस कामने सुद्रौपदी जी के लिए प्रार्थना अरदास करने के लिए कि परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्मा को विरागी श्रेष्ठ देवी जी को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें शांति प्रदान करें मुक्ति प्रदान करें तथा समस्त परिवार को रिश्तेदारों को यह दुख सहने की शक्ति दें। ऐसी कामना ऐसी मनोरथी सिद्धि के लिए हम सभी परमपिता परमात्मा के चरणों में उपस्थित हैं। भाई हम सभी सर्वप्रथम परम पूज्य गुरु नानक महाराज जी द्वारा रचित पावन अमृत में से पावन मूल मंत्र मुक्ति माला का जाप करेंगे। जो बोले प्राप्ति हो जाती है
और संसारी पावन के चक्कर से जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इस संसार में सृष्टि चैतन्य भगवान वाल्मीकि जी महाराज भी मोक्ष के भाषा है, जिनकी जड़ों में समय समय पर जिस किसी प्रयासों ने मोक्ष के कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की है, गुहार की है, विनती की है, कर्मचार परमात्मा ने उन्हें मनमाचित पद प्रदान किए। मोक्ष का वह तत्व ज्ञान जो मोक्ष दाता भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों से महादेव श्री शंकर ने प्राप्त किया, मोक्ष का वह तत्व ज्ञान जो ऋषि विशिष्ट ने ऋषि भारद्वाज ने परमात्मा के चरणों से प्राप्त किया, मोक्ष का वह तत्व ज्ञान जो चक्रवर्ती स्मारक राजा शरद को मिला, उसी मोक्ष के तत्व ज्ञान को जम्मू प्रदेश के राजा आदिष्ट ने भी प्राप्त किया। तो शरण करें वैराग्य है। प्राचीन काल में जम्मू द्वीप में हर्ष नेगी नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही गुणी ज्ञानी वह धर्मात्मा पुरुष था। एक दिन उसके मन में जगत संबंधी शंका उत्पन्न हुई और विचार द्वारा उसके मन में जीवन संपत्ति स्त्री आदि संसार पदार्थों एवं भोगों के प्रति वैराग्य की भावना का उदय हो गया। उन्हें संसार में सर्वत्र दुख की बुद्धि दिखाई देने लगा तथा वे संसार भोगों की क्षमता का अभाव करने लगे। वे शास्त्र सुख एवं शांति प्राप्त करने के इच्छुक हो गए। धर्मात्मा आदिशिष ने भी अपना पूर्ण राज्य अपने प्रतिभावान पुत्र को देकर विभिन्न स्थानों में विचरण करने के लिए चले गए। तब उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। इस जीवन का अंतिम परिणाम, इस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इस संसार में भोगे के भोग अंत में दुखों का ही कारण बनते हैं। इस संसार में कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता, जीवन में कहीं भी शांति नहीं है। इसी चिंता में जाकर राजा ऋषि नेगी ने जीवन मुक्ति की खोज में विचरण करते हुए कमता नदी के तट पर जीकर आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि वहां पर सभी खुशी को बख्शी अपने बुरे स्वभाव को त्याग कर आनंद और प्रेम से विचरण कर रहे थे। वहां पर शेर और मृग बाघ और चूहा सांप और नेता आदि सभी बलशाली व निर्बल पशु और पक्षी अपने दूसरे को मारने वाले हिंसक स्वभाव को त्याग कर आनंद और प्रेम से विचरण कर रहे थे। वहां में शांति का अनुभव हुआ और मन में आशा की करने होती तब अवश्य ही मुझे इन्हीं चरणों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसी आश्रम में उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी के चरण कमलों में पुष्पों द्वारा पुष्पांजलि अर्पण कर उनकी पूजा की और विनय पूर्वक निवेदन किया। हे त्रिकादर्शी भगवान वाल्मीकि जी महाराज, इस भूतल पर आप जैसे तत्व ज्ञानी भूत ऋषि की ज्ञाता परम ज्ञानी मुझे कोई और दृष्टि उत्तर नहीं आता। सूर्य के समान अपनी किरणों को खेल कर उससे मानव समाज के लिए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके और मुझे दिव्य ज्ञान रूपी चक्षु आंखें प्रदान कर सके। मुक्त हो सकता हूँ अर्थात मुक्ति का साधन क्या है, मोक्ष का साधन क्या है। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, हे कृष्णनंदन, मैं तुम्हारे मन की स्थिति को भली भांति समझता हूँ। आप सत्य ज्ञान के अधिकारी हैं। मैं तुम्हें योग्य पात्र समझकर सृष्टि के रहस्य एवं विशिष्ट ज्ञान का उपदेश दूंगा। इस समर कथा के द्वारा तुम्हें अवश्य ही मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, तुम अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते। मैं तुम्हारे मन की स्थिति को भली भांति समझता हूँ।
परंतु फिर भी भगवान मुझसे अपने राजशेष में ही जो भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में मोक्ष के कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हुए, तो परमपिता परमात्मा ने राजशेष में जी के मन में क्या क्या प्रश्न है, क्या क्या शंकाएं हैं उनको जाना। से कहा कि तुम्हारे मन के भीतर जो भी प्रश्न है शंकाएं उनका विचार करो ताकि उनका समाधान हो जाए। तो राजशेष देवी ने मोक्षदाता भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में सर्वप्रथम संसार के धन दौलत और उसके दो लालच की निंदा करते हुए उसका विख्यान करते हुए कहा, हे पूज्यवर, दुनिया जाती जाती है कि केवल त्याग मात्र से ही अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, परस्पर होते इन दोनों मार्गों में से मैं किसका अनुसरण करूँ और किसका त्याग करूँ इसी समझने पड़कर मैं भ्रमित हो गया हूँ। इसलिए मैं समस्त ऋषि वासना में जल रहा हूँ। हे भगवान, मेरी इस वासना जाल से निवृत्ति कैसे होगी, मुझे यही चिंता जलाई जा रही है। धन दौलत को संसारिक सुखों का साधन माना गया है, परंतु ये भी कृष्णा के समान मनोहर रूप धारण करके चित्त की वृद्धि को खींचती हैं। जिस प्रकार नदियों से संघे तरंगे निकलती हैं, वैसे ही धन दौलत से अनगिनत ही चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये परम नर्तकारी हैं, जब तक इसकी प्राप्ति नहीं होती तब तक उसको पाने का यत्न होता है और यह अनर्थ करके ही प्राप्त होती है। यह नागिन प्राज्ञ शूर कर्तज्ञ दक्ष एवं वृद्धवासी को भी मलिन कर देती है। धन दौलत की वृद्धि से सुख की अपेक्षा दुख अधिक होता है। जब यह धन दौलत प्राप्त होती है तब शीलता संतोष धर्म उदारता कोमलता वैराग्य आदि सदगुणों को नष्ट कर देती है। जैसे विषयता रक्षा करने पर भी मृत्यु का कारण होती है, वैसे संपत्ति रक्षा करने पर धन दौलत की वृद्धि से हर्ष की क्या बात है। मृत कृष्णा की नदी में कृपा करें। राजशेष नेमी ने मोक्षदाता भगवान वाल्मीकि महाराज के समक्ष सर्वप्रथम संसार धन दौलत और उसकी लोभ लालच की निंदा का ध्यान करते हुए कहा कि जो संसार धन संपत्ति है धन दौलत है कोई मोह नहीं है, मुझे केवल और केवल मोक्ष का तत्व ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। तो संसार के अंदर भी संसार से प्राणी है, सारा जीवन कई बार संपिता परमात्मा के सिमरण से दूर हो, परमात्मा की कमर से दूर हो, संसार के भौतिक पदार्थों को संसार के धन संपत्ति धन दौलत को जुटाने में लगा रहता है। कई बार ऐसी प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है कई प्रकार की संसार के धन संपत्ति धन दौलत को भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए इच्छा बुरा सत्य असत्य धर्म धर्म उचित जो संसार के प्राणियों को इस जीवन में प्राप्त करने की चेष्टा कथन प्रयास करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि वीरा सुंदर सचिए जो आदि को हुए शीश राय को भी ले जा आत्मा देखे हुए कि संसार धन बोल धन संपत्ति को पूरी पोखरे में बांध करके गठरी साफ लेकर के नहीं जाता, सब कुछ यहीं धरा धराया जाता है। कौन सा धन है जो आगे हमारे काम आता है, अमीरा सोना धर्जी है जो आगे को हुए वह धन है किस जीवन में किया गया पंथिका परमात्मा के नाम का आचरण, हमारे शिव कर्म, हमारा शिव आचरण परोपकार का आपकी कार्य है। ऐसा शिव धन ही काम आता है, बाकी जो भौतिक पदार्थ हैं धर्म लोक धन संपत्ति ये सब कुछ यहीं दरा दराया जाता है। राजशेष नेमी ने ऐसे संसार धन संपत्ति धर्मों की निंदा करके
केवल केवल मोक्ष के तत्व के अनुभव प्राप्त करने के लिए हम पिता परमात्मा के चरणों में विनती प्रार्थना की है। मान्य रास्ता का वो राजस्थित नहीं है कहा कि मंगल वाल्मीकि जी महाराज ना मुझे शब्दों में ना रब्दों में ना बंधुओं में ना रचय में और ना ही संपत्ति में कि वो है धन से क्या राज्य से क्या और अनेक प्रकार के प्रवासियों से क्या भोगों से क्या ये सब कश्यप सुख देते हैं। हे प्रभु मान की बाल्य अवस्था में आप अपनी कृष्णा अल्पबुद्धि नाना प्रकार के वस्त्र की भाषा चंचलता दीनता ये संतोष इस पात्र में मौजूद रहते हैं। यदि बालक को प्रतिदिन रोजी केवल नई नई वस्त्र प्राप्त हो तो वह बहुत ही दुखी होता है। फिर थोड़ी में फसल हो जाता है और थोड़ी में उसको जाता है उसको पसंद करना खेती खेत के समान है। बालक के मन में शीत और गर्मी का अनुभव तो होता है परंतु वह उसका निवारण नहीं कर सकता इसलिए बालक और वृक्ष में कोई भेद नहीं है। ऐसी मक्का से पूर्ण वाले रखा सुख कर कैसी हो सकती है। बालक थोड़ा सा ही खाने देने से या कुछ काटने से हर्ष में हो जाता है और थोड़ा सा ही गुस्सा दिखाने से बिगड़ जाता है या डर जाता है। वह थोड़ा दीन रहता है वह देखे बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। अरे प्रभु ऐसी बाल्य अवस्था से मुझे कोई हो नहीं है मुझे केवल और केवल मोक्ष का दत्तक ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। यौवन अवस्था एवं काम मिला राजसी कृष्ण ने कहा कि तत्व देता भगवान वाल्मीकि जी महाराज युवा अवस्था में पुरुष की चित्रवृत्ति है चिंतन होती है और वह राजी का अनुभव करता हुआ एक रूप से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। वह काम वासना के वशी होकर नाना प्रकार की चिंताओं में जलने लगता है। यौवन लड़का हुआ है और नाना प्रकार की भ्रांति का जन्म लाता है। फिर युवा वस्त्र रश्मि के से मानो विनाश से बच गए हैं वे महापुरुष धन्य हैं। बिजली की करके हमार कचड़े और अशुभ फलों का रहा यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता दुख से परिपूर्ण काम बाण लगकर मिटते हैं। संताप रूपी दोष देने वाला यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता इस काल में गुणवान सदाचारी एवं उदार चित्त वाले पुरुषों की निर्मल बुद्धि भी मलिन हो जाती है। यौवन प्रचंड आंधी के समान है जबकि चरम सीमा पर पहुँचते हैं तब काम क्रोध आदि वासनाएं उत्तेजित हो जाती हैं। बड़े बड़े मगरमच्छों से जुड़कर सागर को तैरा जा सकता है परंतु ऋषि वासनाओं की महाक्रोधों के कारण उमड़े हुए अनेक दोषों से जुड़कर नंदनीय यौवन को पार करना अत्यंत ही कठिन है। पांच तत्वों से बना हुआ यह शरीर ही संग्रह है इसलिए विवेकी पुरुष राजमिशीभूत होकर के कैसे उस पर आसक्त हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर वे लोग पूजनीय हैं जिन्होंने विश्व यौवन रूपी संकट को सुखपूर्वक पवित्रता से पार कर लिया है। अतः प्रभु ऐसी अवस्था से भी मुझे कोई मोह नहीं है मुझे केवल और केवल मोक्ष का तत्व ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। वृद्ध अवस्था के दोष राजसी स्नेही ने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज जैसे हिंदू उसकी वस्त्र कमल को शीत को नष्ट कर देती है दर्द रह तथा झुलियों से भरे हुए चिकित शरीर वाले वृद्ध को ये कामनियाँ ऊंट के समान समझती हैं परंतु बालक बालक सभी वृद्ध अवस्था में हंसी उड़ाते हैं उस दशा में निश्चय ही फिरते चलता रहता है और जैसे सायंकाल की सुंदर के प्रकट होते ही अन्न का रोल पड़ता है उसी प्रकार इस शरीर में जरा वस्त्र देखते ही मृत्यु थोड़ी चली जाती है। वृद्ध अवस्था
वात हो और खांसी को विकसित कर देती है। दृश्य गय है दुबला पतला शरीर टेढ़ा हो जाता है अर्थात तीर कमान की तरह झुक जाता है। अतः प्रभु ऐसी अवस्था से मुझे भी कोई मोह नहीं है, मुझे केवल और केवल मोक्ष का तत्व प्रदान करने की कृपा करें। राम विशेष ने भी वर्तमान वाल्मीकि महाराज के समक्ष ये जो जीवन की आलंका मंदिर है बाल्यावस्था में जो बालक है देखिए और बिना तीर के समान है। यौन अवस्था का ध्यान करते हुए राजशी स्नेह ने कहा कि यौन अवस्था प्रचंड आदि के समान है। जब ये चरण स्नान पहुँचती है तब काम को आदि वास्तव जिन्होंने देखे यौवन के संकट को सुखपूर्वक पवित्रता से पार कर लिया है। अतः प्रभु ऐसी यौवन अवस्था से भी मुझे कोई मोह नहीं है, मुझे केवल और केवल मोक्ष का तत्व ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। वृद्ध अवस्था के दोषों का ध्यान करते हुए राजसी स्नेही ने कहा कि वृद्ध अवस्था जो संतान जीवन में आती है ये जो शरीर है तीर कमान की तरह झुक जाता है टेढ़ा हो जाता है। ये जो शरीर है उससे की अंत का गुण पड़ता है। उसी प्रकार के शरीर में जरा अवस्था को देखते ही वृद्धि धोनी चली आती है। तो राजसी स्नेही ने जीवन के अवस्थाओं का ध्यान करते हुए इनकी निंदा की है और केवल मोक्ष के तत्व को प्राप्त करने के लिए अपनी जिज्ञासा अपनी इच्छा प्रकट की है। मोक्ष जिसका अर्थ है मोह का क्षय हो जाना, जब सभी तृष्णाएँ इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं को प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में विनती की है जिसे प्राप्त करके आवागमन के जिसे साथ करने का बेहतर प्रयास करना चाहिए। कबीर जी वाणी में कहते हैं कबीरा जब हमारे जगत में जब हसा हो रहे ऐसी करने कर सरे हम हंसे जब रोए। इस संसार के अंदर जब संसार को प्राणी जन्म लेता है जब जीव जन्म लेता है उस वक्त होता है, लेकिन उसके माता पिता प्रवास करते रिश्तेदार आशीर्द होते हैं कि उस बच्चे ने जन्म दिया है। 84 लाख योगी ने सर्वोत्तम सर्व श्रेष्ठ मानव जीवन प्राप्त किया है। उस जीवन को प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक संसार को प्राणी का एक कर्तव्य वर्ष होता है ऐसी करते करते हम हंसते जगोए। इस संसार के अंदर ऐसे कर्म करें परमपिता परमात्मा के नाम का स्मरण करते हुए शुभ कर्म करते हुए शुभ आचरण से शुभ व्यवहार से परोपकार परमात्मा के कार्य करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसे जीवन को व्यतीत करते हुए यदि मृत्यु दूर प्राप्त हो जाएंगे तो मरणोपरांत परिवार कचहरी रिश्तेदारी नहीं नगर के लोग समाज के लोग संसार के लोग भी हमारे जीवन के ऐसे कर्म को स्मरण करते याद करती है और याद करते उनकी भी आंखें नम हो जाती है। परिवार की पुत्री माता जी विरागी कृष्ण देवी जी उनका जो जीवन है अपने परिवार की जिम्मेदारी को और समाज धर्म के अपने परमपिता परमात्मा के नाम से अन्न करते हुए रंजीत हुआ। तो ऐसा ही जो जीवन है समस्त संसार प्राणियों को होना चाहिए ताकि संसार के अंदर मरणोपरांति हमें स्मरण करने के लिए संसार के लोग इकट्ठा हो। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा के चरणों में हमारी आत्म शांति को प्रार्थना प्राप्त करें और स्मरण करते उनकी भी आंखें न खुले ऐसी करने का चले हम हंसे जगोए। तो ये शुभ कार्यों कर्मों की कहानी है कि संसार के अंदर शुभ कर्म करेंगे स्मरण से जुड़ेंगे हमारा शुभ आचरण होगा तो मरणोपरांत भी स्मरण किया जाएगा। तो राजसी स्नेही ने ऐसी जीवन के अवस्थाओं का अभिध्यान करके केवल केवल मोक्ष के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा के चरणों में व्यवहार किया है। अहंकार के दोष राजसी स्नेही ने बाल्य अवस्था यौवन अवस्था वृद्ध अवस्था राजपाठ तथा धन दोष वृत्ति वैराग्य व्यक्त करते हुए
इसका ध्यान करने के पश्चात भगवान वाल्मीकि महाराज जी के समक्ष अहंकार के दोषियों के प्रति अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, यह संसार अहंकार के वशीभूत होने के कारण मंत्र राग द्वेष आदि दोषों के द्वारा अनर्थ की प्राप्ति कराता रहता है। अहंकार के वश में होने से ही मानव पर कई प्रकार की व्याधियाँ आती हैं, उसे शरीर कर भोगने पड़ते हैं। अहंकार से अनेक दुख मानसिक व्यथाएँ चिंताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ऐसे अहंकार का मैं त्याग करता हूँ। हे प्रभु, इस संसार के विषय विभागों में मेरी कोई रुचि नहीं है, ना ही मन ही मेरा है। मैं शांत होकर के अपने आप में ही स्थिर रहना चाहता हूँ। अतः प्रभु, मुझे अहंकार को मुक्त करके केवल और केवल मोक्ष का तत्व ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। अहंकार के दोष राजसी देवी ने भगवान वाल्मीकि महाराज के समक्ष अहंकार के दोषों का ध्यान करते हुए कहा कि जो अहंकार है ये संसार प्राणी के पतन का कारण बन जाता है। अहंकार से कई प्रकार की मानसिक व्यथाएं चिंताएं उत्पन्न हो जाती है। तो राजसी देवी ने कहा कि ऐसी अहंकार की भावना से मुझे मुक्त करके केवल और केवल मोक्ष का तत्व ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। तो संसार के प्राणियों को भी इस संसार के अंदर हर प्रकार के अहंकार का होने का मैं का धमन का त्याग करके विनम्र भाव अपने जीवन में धारण करके नाम सिमरण करके जीवन को अधिक करने की चेष्टा प्रथम प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब अहंकार की भावना उत्पन्न होती है तो जो फसल है शीघ्रता से प्रारंभ हो जाता है। संसार में जब आपियाँ आती हैं, तमान आते हैं, संकट आते हैं, जो वृक्ष झुकना नहीं जानते वे वृक्ष झुक जाते हैं, और जो वृक्ष झुकना जानते हैं जब आपियाँ तमान संकट निकल जाते हैं वे दोबारा अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं, तो फल भी झुके हुए पेड़ों में रहते हैं। तो संसार के भाइयों को हर प्रकार के अहंकार का त्याग करके विनम्रता को धारण करके इस मानव जीवन को अतीत करने की चेष्टा कसर प्रयास करना चाहिए। कोई अहंकार करता है ज्यादा शुद्ध होने का, बलवान होने का, गुणी के आगे विद्वान होने का, धनवान होने का, किसी भी क्षेत्र में कुछ ज्यादा निपुण का महत्व प्राप्त हो जाए तो कई बार अहंकार की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। पर जब अहंकार की भावना उत्पन्न होती है तो समझे जो पता है शीघ्रता से प्रारंभ हो जाता है। तो संसार के कानून को हर प्रकार के अहंकार का त्याग करके विनम्रता को धारण करने की चेष्टा प्रकट प्रयास करना चाहिए। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मिठ स्ने नानका गुण चने का सभी गुणों को जो सार है मिठास है विनम्रता में है मेरे रहते हैं। तो संसार प्राणियों को विनम्रता को अपने जीवन में धारण करके इस जीवन को सार्थक करना चाहिए। परम पूज्य गुरु महाराज आदि धर्म गुरु उन्होंने पावन वाणी में लिखा है कि देख भी दाता चापू बहु में होशियारती आल से धर्म चला बोझने भावना होकर मारती। तो वाणी में पूज्य गुरु महाराज ने लिखा है कि ये देख भी दाता भगवान वाल्मीकि महाराज संसार के प्राणियों के लिए बिखने वाले हे प्रभु, हम संसार के अंदर खुशार्थी रहते हैं। देखिए कि दाता चाहूँ बनू मैं खुशार्थी कि संसार में शुभ खुशार्थ करते थे, अपनी परिवार के जरिए दारू समाजिक जिम्मेवार बनवाते थे, अपने जीवन को अतीत करें। आलस से घमंड ना हो मुझे, हमारे जीवन में ना तो किसी प्रकार का आलस हो, हम समय का सदुपयोग करें और समय का सदुपयोग करके इस मानव जीवन को अतीत करें और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का घमंड हो। घमंड ना ज़्यादा सुंदर होने का, बलवान होने का, निर्माण होने का, धनवान होने का, किसी क्षेत्र में कुछ निपुणता प्राप्त करके रहे तो किसी प्रकार का जो घमंड है अहंकार होंगे हैं हमारे भीतर कदा की ना हो। भावना हो परमात्मा, परमात्मा की भावना, दूसरों की कामना में भी दूसरों का भला करने की जो भावना है
वह तुम्हारी दिक्कत हो। ऐसा प्रभु जब नागरी महाराज भाव मांगे पर पिता परमात्मा शिष्य कैसा हनुमान वाल्मीकि महाराज के चरणों में रुचि की है। पावन आदित्य ने ईश्वर के चरणों में कैसी कामना की गई है। तुलादशीष नहीं ने मोक्षदाता भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में अहंकार के दोषित मुक्त होकर के मोक्ष के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की अपेक्षा प्रकट की है। संसार की क्षण भूलता जो संसार है क्षण भूल है क्षण करने नष्ट होने वाला है। राजशीष ने आपके ऊपर प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज जिस प्रकार प्रतिदिन श्रेष्ठ कोई मूषक चूहा बड़े बड़े टीकों को खोलकर नष्ट कर देते हैं उसी प्रकार काल श्रेष्ठ आदि को निर्दयता से प्रतिदिन काटता रहता है। जैसे लोग सूर्य के उदय होने पर भी प्रसन्न होते हैं स्वस्थ होने पर भी, परंतु वे ये नहीं जान पाते कि प्रतिदिन ही जीवन का नाश हो रहा है। यह आयु कमल पत्र प्रस्थित जल कमी समान है क्षण भरपूर है पर भर में नष्ट होने वाली है। ये प्रभु वायु पर विराप हो सकता है आकाश के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं जल की तरंगों को गिरा जा सकता है परंतु आदि पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि आयु आदि के पुत्र के समान कृष्ण भरपूर है पर भर में नष्ट होने वाली है। ये भगवान मानव का मन से निश्चर है मृत्यु सरता दूर है उसके ही जाने में समय नहीं लगता। युवा अवस्था अत्यंत ही चंचल है शीघ्रता से चली जाती है बाल्यावस्था वो नहीं बीत जाती है और कृष्ण केवल यह कृष्ण है। सारे ही भाव आने और जाने वाले हैं विष्णु की भावना ही संसार को बांधती है। हे प्रभु पुत्र स्त्री है और धन जिनको मुख्य है अज्ञान दृष्टि से अमृत तुझे समझता है फिर सब कुछ भी उपकार नहीं करते क्योंकि अंत में सभी अति प्रिय वस्तुएं विश्व द्वारा प्राप्त मोक्ष की तरह ही भगवान वाल्मीकि महाराज के समक्ष संसार की क्षण भूलता का ध्यान करते हुए कहा कि जो संसार है क्षण भूल है ये जो जीवन है पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है और क्षण भर में फूल जाता है उसी प्रकार ये जीवन है। सुरालशीष देवी ने कहा ऐसे क्षण भूल जीवन से मुझे कोई मोह नहीं है मुझे केवल और केवल मोक्ष का तत्व ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। तो ये जो संसार के मानव जीवन है जो कि चौरासी लाख जीने में से सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है और हम सबने प्राप्त किया है कि जीवन की अवधि कितनी है इस संसार के राज्य को भी समझ नहीं पाया। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसके बीच का जो फासला है इसे हम संसार के लोग जीवन कहते हैं और जीवन की अवधि कितनी है ये कितने वर्षों का है ये कितने महीनों का कितने सप्ताह का कितने दिनों का कितने क्षणों का इसे संसार के आज तक कोई भी समझ नहीं पाया ना ही कोई वैज्ञानिक समझ पाया है ना ही कोई विद्वान समझ पाया है ना ही कोई वैद्य डॉक्टर समझ पाया इस जीवन की अवधि कितनी है ये केवल और केवल मोक्षदाता भगवान वाल्मीकि महाराज के हाथों में है। परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक संसार के प्राणियों को जितनी स्वास्थ्य की पूंजी प्रदान की है सारे संसार प्राणी उतना ही संसार के जीवन व्यतीत करते हैं। परिवार के पूजनीय माता जी परिवार की प्रिय विरागी श्रेष्ठ देवी जी परमपिता परमात्मा ने उनको जितनी स्वास्थ्य की पूंजी प्रदान की थी उन्होंने संसार के अंदर उतना ही संसार के जीवन व्यतीत किया। तो ये जो स्वास्थ्य की पूंजी है ये सारे संसार के प्राणी के लिए है। पता नहीं कल किस क्षण किस स्थान मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो फिर जी कहते हैं
ਕਿਆ ਬੁਸਤਾ ਦੇ ਕਾਦਰ ਚਾਰ ਚਰਵਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਬੜ ਲੋ ਔਰ ਜਤਨ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹ ਕਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ਸ਼ਰਨ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਮੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਾਸਤਰ ਉਸ ਪਰਮਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ ਸੇ ਸ਼ਿਵ ਵਿਵਹਾਰ ਸੇ ਪਰੋਪਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਥ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ਼ਣ ਹੂਰ ਹੈ ਪਲ ਭਰ ਮੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਜ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰੋਗ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੁਖ ਦਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰ ਕਹੇ ਜਗ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸ਼ਵਰ ਕੇ ਉਪਾਏ ਨਾਸ਼ਵਰ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਸ ਆਪਕੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸਭ ਕੀ ਕਬਜ਼ੀ ਹੈ ਸਭਨੇ ਜਿੰਦਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੋ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਕੋ ਅਵਸ਼ਯ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾਸ਼ਵਰ ਕਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿਉਂ ਸੱਚੇ ਅਸ਼ਕਰ ਲਾਏ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਵਹ ਸਦੈ ਸੱਚੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਯੁਗ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਨੇ ਦ੍ਵਾਪਰ ਯੁਗ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੁਗ ਦੇ ਸੈਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨਾਮ ਸੇ ਹੀ ਖਿਆਤ ਹੋਏ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਸਰਬੰਧ ਹੈ ਜਨਮ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਯੁਗ ਮੇਂ ਸੈਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਔਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨਾਮ ਸੇ ਵੀ ਖਿਆਤ ਹੋਏ ਔਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਦਾ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸੱਤਾ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਨਿਯਮ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਸੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮ੍ਰਿਤਿਕ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ਯ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਰੰਕ ਹੈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਸਵਾਸਥ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਲਹੂਨੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਉਸ ਬਾਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਲਹੋਨੀ ਘਟਨਾ ਘਟਤ ਹੋਈ ਹੋ ਕਿੰਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੱਚੀ ਔਰ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਤਾ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਸ਼ਣ ਪਸ਼ਚਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਸਵਾਸਥੋਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਸੇ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਸੁਨੇਹੀ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਣ ਗੁਣਤਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕਸ਼ਣ ਭੂਤ ਜੀਵਨ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਚਿਤ ਕੀ ਚੰਚਲਤਾ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸੁਨੇਮੀ ਨੇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਕੇ ਪੀਤਰ ਕਹੀਂ ਪਰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ ਵਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਤਾ ਹੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਆਪਣੀ ਚੰਚਲ ਵਿਰਤੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਔਰ ਚਿੰਤਾਓਂ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੇ ਲਦਾ ਹੁਆ ਕਭੀ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਚੰਚਲ ਚਿੱਤ ਅਰਥ ਕੀ ਬਲਾਸ਼ਾ ਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਤਾ ਹੈ ਅਰਥ ਅਰਥਾਤ ਸੰਪਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੇ ਪਰ ਵੀ ਵਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਮੋਹ ਸੇ ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸੁਖ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਦੁੱਖ ਕਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸਾ ਹੁਆ ਚਿੱਤ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਕਰਕੇ ਮੁਝੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਤੰਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚਿੱਤੀ ਚੰਚਲਤਾ ਰਾਜਸ਼ੀ ਸੁਨੇਹੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਚਿੱਤੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤਾਂ
मन का नियंत्रण करना ये सबसे बड़ी बात है। मन जीते जब जीत संसार में जिसने मन का विजय प्राप्त कर ली है तो समझिए उसने पूरे विश्व पर पूरे जगत पर जीत प्राप्त कर ली है। क्योंकि मन के अंदर कई प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। मन में जब शुभ विचार उत्पन्न होते हैं तो संसार को प्राणी शरीर के रूप में शुभ कर्म करते हैं और संसार के अंदर मन प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। और मन में यदि दूर का उत्पन्न हो जाए तो संसार को प्राणी उसी प्रकार का कर्म करके वैसा ही फल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो मन है अपने मन को स्वयं नियंत्रण में करके मन पर विजय प्राप्त करके उसको स्वयं शुभ विचारों से युक्त करना चाहिए, स्मरण में रहना चाहिए और शुभ कर्म करते मानव जीवन को प्रतीत करना चाहिए ताकि परमपिता परमात्मा के कर्मों से प्राप्ति जो जीवन है यह सार्थक हो जाए। संसार के जो लोग हैं कई बार धार्मिक स्थान पर जाते हैं, शास्त्र बोले जाते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के माता देखने के लिए जाते हैं, कीर्तन सुनने के लिए जाते हैं। कई बार हाथ में माला भी होती है, माला लेकर के जाप किया जाता है और जीवन बड़ा सरल रहते हैं। देखने को लगता है कि बड़ा ईश्वर लागू कर रहे हाथ में माला है और जीवन बड़ा सरल किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो मन है मन भी परमपिता परमात्मा के स्मरण में परमात्मा की वाणी में परमात्मा की कर्मों को करना चाहिए, उसी का फल प्राप्त होता है। अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। गुरु जी कहते हैं माला तो कर व्यर्थ है जीव करे मुख माहे मनवा अभिक्रम दिशा है यह तो स्मरण न है। आप माला को जीवन द्वारा विस्मरण करें। यदि हमारा जो मन है मन प्रकट है संसारिक कार्य में, व्यवहारिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, व्यापारिक कार्य में, परमात्मा की वाणी के लिए स्मरण में नहीं है तो उसे स्मरण नहीं कहा जाता। स्मरण ही है जो अपने मन को परमपिता परमात्मा के शब्दों में स्पर्श करने के लिए, चाहे ऐसे अंतिम अरदास पर बैठे हो, आत्म शांति मार्ग पर बैठे हो, चाहे किसी शास्त्र में कीर्तन के किसी धार्मिक स्थान पर बैठे हो, हमारा जो मन है परमात्मा की वाणी में परमात्मा के स्मरण में होना चाहिए। आदि धर्म गुरु परम पूज्य गुरु जी महाराज ने मन के बारे में पावन वाणी में लिखा है कि काम होगा पर मन जरा रटक लगाए ना रटक रटक के बदल के सबका दिखाए ना। यह भगवान वाक्य के महाराज हमारा जो मन है दूसरे की माफी बार बार आपका नाम रटता है, आपका नाम स्मरण करता है। क्योंकि तोता ऐसा पक्षी है जो बार बार एक ही नाम को रिपीट करता चला आता है। तो हे प्रभु हमारा मन भी तोते की भांति बारंबार आपके नाम का स्मरण करता रहे ताकि रटक रंग के बदले उपरा जाए ना, ताकि बारंबार परमपिता परमात्मा का सच्चे मन से स्मरण करने से बड़े परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाए, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाए। हमारे ईश्वर ने जिस मोर की स्थिति के सच्चे मन से पूजा पाठ करें उसकी प्राप्ति हो जाए। तो आज से देखिए कि ऐसी है जैसे शीतल पदार्थ की थोड़ी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि कौंडल स्पर्श वाली ऋषिमुखि मिश्रा जी शून्य मात्र से काम लेती है। संसार के संघर्षों ने कृष्ण की सबसे विशुद्ध देने वाली है यह संसार देती है। क्योंकि जहाँ मन में किसी वस्तु को प्राप्त करने की कृष्णा सुनोगे तो समझे उसका आनंद प्रारंभ हो गया। इसका लेख प्रचंड वायु के लिए समान है जिससे रोका नहीं जा सकता। अरे प्रभु ऐसी कृष्णा की गर्भ करके मुझे केवल और केवल मोक्ष का सत्य ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। कृष्णा की गर्भ
ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਭ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਖੁਸ਼ਾਈ ਹੈ ਉਛਾਈ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਸੱਤਿਆ ਅਸੱਤਿਆ ਉਚਿਤ ਨੈਤਿਕ ਅਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਸੁਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਐਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਇੱਛਾਓਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਛਾਓਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਦੂਸਰੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਪਰ ਅਕਸ਼ਯ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਅਕਸ਼ਯ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਤਨਾਕਰ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਰਤਨਾਕਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਈ ਕਰ ਦੀਜੇ ਜਾਵੇ ਗੁਰਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਹੋਦੇ ਬਦਲਾਵੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗਿਰੇ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣੇ ਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਖੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਉਠਾਏ ਹੀਰਾ ਦਾ ਮਨੋਥਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰਾਤਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਰਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਿਆ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਏ ਨੇ ਦੈਨੀ ਮਾਰੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁਖ ਗਾਓ ਕੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੇ ਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਰਤ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਰੋਗੋ ਕਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਪੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪੇ ਵਾਲੀ ਸੰਜੋ ਔਰ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਸਪੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੋ ਸੇ ਜੈ ਕਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੇ ਮੋਕਸ਼ ਦਾਤਾ ਰਖੋ ਤੋਂ ਮਾਤੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀ ਬਾਬੋ ਗੀਤਰ ਬੜੀ ਮਾਤੀ ਦੇਵਤੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸਨੇ ਕੌਣ ਸੇ ਰਵਿਚਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਮਿੱਥਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਆਮਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਵਰਤੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਛਾ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸਦਾ ਜੋ ਵਜੂਦ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਦਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੀਤਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਆਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਕੋ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਆ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਕੋ ਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਰ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਦਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੈਸਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੀਤਰ ਹੈ
तब इस बातों की फिक्र कर रही है, हम भूल पाते हैं, ये शरीर को गट होती है, हम अपना सब आत्मनिर्भर चीज करते हैं। और जब आत्मा ने शरीर को त्याग किया तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है। अगर शरीर का प्रभाव प्रत्यक्ष करवाते सात संस्कार अंतर संस्कार कर देते हैं। तो जैसे संस्कार जो हम प्राणी है सुबह का दोपहर का रात्रि का तीन समय का भोजन ग्रहण करते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन की जरूरत है। शरीर में बीमारी के कारण से मुकाबला करने की शक्ति पैदा करने के लिए भोजन की जरूरत है। लेकिन इसके कारण शरीर का मजबूत है, जिसके कारण जीवन है, जिसके कारण स्वास्थ्य की प्रक्रिया चल रही है, परंतु परमात्मा की बाबूल की आत्मा उस शरीर के अंदर विद्यमान है, आत्मा है, उसको भी भूख लगती है। आत्मा का भोजन है परमात्मा का स्मरण। परमात्मा परमात्मा के स्मरण करने से परमात्मा की जो आत्मा होता है हमारे भीतर विद्यमान है, आत्मा की दृष्टि होती है, हमारे भीतर साधन पैदा होते हैं और संसार के अंदर शुभ कर्म करके हम मानव सत्ता की प्राप्ति करते हैं। तो संसार प्राणियों को नाम सिमरण जो भोजन है उसको भी ग्रहण करने की चेष्टा सतत प्रयास करना है, जिसके द्वारा हमारे भीतर साधन पैदा होते हैं, इसके कारण आत्मा की तृप्ति होती है। लेकिन कई जो संसार लोग हैं अज्ञानतावश मूर्खतावश कई प्रकार के संसार सीधे पदार्थों का सेवन करके उस पावन ज्योति आत्मा को दूषित करते हैं, तलीन करते हैं। तो संसार प्राणियों को सदैव इस शरीर के भीतर जो परमात्मा होती है आत्मा होती है सहज होती हमारे शरीर के भीतर हर संसार प्राणियों के अंदर विद्यमान है, आत्मा है, उसको सिमरण के द्वारा अदृश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर प्रकार के शरीर का पूरा त्याग कर देना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि वीर प्यारा नाम का अंतर भी हो जाए रोम रोम ये रहा कौन अमल क्या खाए। ये मैंने परमात्मा के नाम से उन्होंने उनकी को कह लिया है, अपने हृदय से निकाल दिया, जो मेरी रोम रच गया है, भाग गया है, मुझे भी वो संसार में छह पदार्थों का सेवन करने की जरूरत नहीं है। सारे नशे जहाँ के ऊपर जो आपका भाग नाम तुम्हारी आंखा कभी नहीं लग रहा। तो परमात्मा के नाम से उन्होंने उनकी जो रक्षा है वो नरत्न की जगह है। तो नशा करना है तो परमात्मा के नाम सिमरण करते हैं, नशा करना है तो अपने परिवार को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाने का, अपने परिवार को ग्रंथि को ले जाने का, नशा करना है तो अपने धर्म समाज के प्रति कौम के प्रति निष्ठावान होने का, हर प्रकार के संसार शरीरों का होगा संसार प्राणी को चाहिए त्याग कर देना चाहिए। और नाम सिमरण जो नशा है शुभ कर्मों की जो नशा है वह सदैव हमें करना चाहिए। तो आज इसी स्थिति में मुख्य दादा भगवान वाल्मीकि महाराज के ग्रंथों में इस शरीर की दोषों का ध्यान रखे मोक्ष के तत्व ग्रह को प्राप्त करने की अपनी इच्छा प्रकट की है। भगवान वाल्मीकि महाराज ने राजर्षि स्नेह को समझाते हुए कहा कि तप तीर्थ और दान से मोक्ष की प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति केवल जीवन ज्ञान से होती है। तो सत्य ज्ञान को राजर्षि स्नेह ने प्राप्त किया और प्राप्त करने के पश्चात संसारिक आवागमन के चक्कर से जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। फिर संसार के अंदर समय सत्ता संपत्ति तथा शरीर ये सदा पास में रहते, लेकिन इनके पास रहते इनका सब उपयोग करके संसार प्राणी इस संसार फल सागर से पार कर सकता है। यही हमारे पास एक मात्र अवसर है संसार फल सागर से पार करने का। राष्ट्रीय द्वारा योजना से जी ने सर्वोत्तम जीवन मानव जीवन हमने प्राप्त किया है, इसी जीवन में आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए हमारे पास एक शुभ अवसर है। अन्यथा फिर राष्ट्रीय का गेड़ा आरम्भ हो जाएगा। तो संसार प्राणियों को इस जीवन में सेवन के द्वारा आवागमन के चक्कर से मुक्त होने का प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। जो बोले उन्होंने संसार के अंदर उतना ही संसार में जीवन व्यतीत किया,
ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਹਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜਨਾ ਜਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਰਾਮਾ ਹੈ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਣਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ
ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸੋਕੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਲਪਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਜੀਵ ਵਿਕਲਪਾ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਵਿਕਲਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਸ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੇ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੇ ਜੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਮਾਂ ਜਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਕਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਔਰ ਜਨਮੀ ਸਵਰਗ ਸੇ ਮਹਾਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਪਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗੀਤ ਇੱਕ ਲੱਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਿਆ। ਸੰਜੀਵ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲੇ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਚਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ MLA ਵਰਤ ਨਾਸ਼ੂ ਜੀ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਜੇਠੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਕਮਲ ਜੇਠੇ ਜੀ। ਸੇ ਪ੍ਰਾਤਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਸ ਸੋਗ ਸਭਾ ਚ ਅਸਤਿਤ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਜਾਗੋ ਬਣ ਪਰਵਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਤੀ ਗੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸਾ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਾਲਕਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਿਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਨੀ ਨਾਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਨ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਨ ਜੀ ਡਰਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਰੇਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਪੀਆ ਛਾਵਾਂ ਔਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਗਿਆ ਪਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਤਾ ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਮੱਲਾ ਰੂਪਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਲੱਕਰ ਜੀ, ਪੀ ਕੇ ਕਾਂਤ ਜੀ, ਤੁਰਦੇਵਾਲ ਦਸਮੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਰਿੰਦਰ ਖੜੀ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੋਰ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਗਵਾਲ ਜੀ, ਰਜੀਸ਼ ਜੱਟੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਮੋਹਨਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹੈ।
महाभारी विरमान वाले पहला प्रगता ने भी यही बोलिया कि मां एक ओ शब्द है इस धरती से ओ पहला टीचर है जदों बच्चा सब तो पहला बोलता है ते उस दे उदे जीवा ते मां दा नाम ही उच्चारण होता है ते मां तो ऊपर जिसने मां त्यारिया उसने रब नु त्यारिया क्योंकि परमपिता परमात्मा ने भगवान वाल्मीकि महाराज ने कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है मां जी ने तुम्हें जन्म दिया जिस धरती पर तुम रह रहे हो वो स्वर्ग तो भी बात है। आज असी वीर संजीव कलंबिया जी जिन्हों माता सरेश्वर जी तो ऐसा की गुरती मिली कि जिन्हों ने समाज एक अपना रुतबा बनाया वो मां के आशीर्वाद को बिना यह रुतबा प्राप्त नहीं हो सकता। इस करके असी पूरे बाबा दस परिवार वालों इस दुख की घड़ी संजीव कलंबिया जी के नाल ने और पूरे बाबा दस परिवार वालों असी इस दुखी परिवार के शामिल है और परमात्मा को यह आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि इन्हों बहुत बड़ा जो दुख दिता है उन्हों परमात्मा सफलन की उस परमात्मा इन्हों दबे सतबुद्धि कि परमात्मा इन्होंने घर के ही जो फुलवारी माता सरेश्वर जी छड़ के गए हैं उदा की फुलवारी है फिर उदा की बरकरार रहे बहुत बहुत धन्यवाद जय वाल शोक श्रद्धांजलि बफर के वजिए हाजिर रख गए हैं श्री विजय सावर जी कौंसल महाराज सिंह राजू जी लुधियाना बाईबाई तो गोपाल कृष्ण राजू जी कौंसल कपिल कुमार सोनू जी सिंह खैड़ा जी महाराजा तो मुकेश चौहान जी राष्ट्रवादी शिवसेना तो विशाल नाथ जी वरुण मेहता जी जिन्हें भी पदों के सदन पहुंचे ने मैं परिवार वालों उन्होंने इतने पहुंचने के बहुत बहुत धन्यवाद करना वा तो हम मैं बेनती करना अमृतसर तो हैप्पी पीर जी वो भी आगे श्रद्धा के फुल रखन भी हैप्पी पीर जी भगवान वाल्मीकि महाराज के पास चरणों में पेटी सत्संग जी अब इस समाज के लिए असं सारे इकट्ठे हो गए हैं जी मां सानू हमेशा लिए छड़ के पर पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने पावन पवित्र चरणों में जा विराजे ने मैं भगवान वाल्मीकि आश्रम सुना साहब ट्रस्ट गतिशील सतपावा मुरगीनाथ जी महाराज वालों क्योंकि उन्होंने भी आना से कल संत पूरनाथ जी महाराज जो कि सानू छोड़ा दे गए उस नहीं आ सकते क्योंकि संत महापुरश वे गिनती पार्टी पहुंचे ने तो मेरी एक ही मेरी शब्दावली है जो ही है कि तो कितनी अच्छी है तो कितनी प्यारी है प्यारी प्यारी
ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸਦੇ ਔਰ ਇਸ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਆਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੈ ਕੀ ਜੈ ਪਾਤ ਪਰਮ ਕਿਰਦਾਰ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਗਾਵਰ ਜੀ ਧਰਮਵੀਰ ਮੰਡਲ ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੈਤਿਆ ਜੀ ਨਾਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਟਵਾਲ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ਵਰ ਜੈਤਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵਫਾਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਦ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬੋਲ ਖਿਡਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਫਾਕ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਠ ਵਿਜੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਠ ਵਿਜੇ ਦਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਲੀਆ ਪੈਗੰਬਰ ਰਹਿਬਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਕਾ ਸੰਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰਫ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੋ ਮਿੰਟ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਮੂਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਕੋਰਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਆ
और इतना दे बढ़िया शब्द केवल से केवल सिर्फ मां दे ही इस्तेमाल करे एक गल कह के अपने शादा को नाम देना चाहना वा कि बड़े खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हां दे सिर ते माता और पिता का साया होता है और बड़े बड़ किस्म तो लोग होते हैं जिन्हां दा साया से तो उठ जाता है। इसलिए अज मां का चले जाना कोई छोटी गल नहीं है और फिर भी एक मौत अंदर सच्चाई है। ना दुनिया के अंदर कोई पीर फकीर औलिया पैगंबर रायबर गुरु ना वो भी नासी है ना एक मौत एक अटल सच्चाई है। जीवन झूठा जरा रोज कट रहा रोज एक दिन जो आप सोचते हैं ना कट रहा और मौत का तुम बढ़ रहा पर मौत जो लोग याद रखते हैं ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ ਮੈਂ ਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸੀਮ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤ ਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਪਿਛੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੜਾਏ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੁਮਾਰਮਣੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਘੁਮਾਰਮਣੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਗੱਜੇ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੀਰ ਦੇ ਪੀਰ ਲਖਨ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਖਨ ਰਾਵਤ ਪਰਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਮਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਕਦਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਇਹ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਬਦ ਸੁਧੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਿਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਜੀਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਧ ਜੇ ਵਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਵਾਸਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਗੈਂਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਰਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਹਮ ਸਭੀ ਪ੍ਰਤੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁੱਜਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣੇ ਲਿਖੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਦੇ ਸੰਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਲਦ ਆਤਮ ਦੇ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥੂ ਹਮ ਸਭੀ ਕਰੇਂਗੇ। ਸੁਕਰਤਾ ਸਭੀ ਧਨ ਕਰੇਂਗੇ, ਸਭੀ ਲੋਕ ਸਾਫ ਸਾਫ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇਂਗੇ। ਹੇ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਵਰਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋ ਅਰਥਾਤ ਨੇਕ ਵੈ ਖਾਸ ਹੋ ਹਮੇ ਭੀ ਐਸੇ ਹੀ ਬਨਾਏ। ਹੇ ਵਰਮ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਰੇ ਸਤਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਹੇ ਆਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਰਚੈਤਾ ਹੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪ ਕਲਿਆਣ
ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਵੈ ਦੇਸ਼ ਵੈ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਕਾ ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਕਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਸਮਸਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣੋ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਸਮਸਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣੋ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਹੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਕਰਮਾ ਸਾਗਰ ਕਰਮਾ ਸਾਗਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਲੇਖ ਵੀ ਦਾਤਾ ਲੇਖ ਵੀ ਦਾਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੈ ਪਿਆਰੇ ਵੈ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਮ ਸਭ ਪਰ ਹਮ ਸਭ ਪਰ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰੇ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਜੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।